नाम एक बार फिर से दोहराएं। कृष्णाराम, ओके जी, कृष्णाराम बोल रहा हूँ सर, जोधपुर राजस्थान से। व्हाट्सएप कृष्णाराम जी बताइए आप। के माध्यम से आपसे नमस्ते राम राम हुई है। जी जी तो मैंने कहा एक बार परिचय कर लेते हैं, आप इजी हैं 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ बताइए। हाँ वैसा मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से, जी और आपके माध्यम से जो ग्रुप के माध्यम से ये बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं वैसे एजुकेशन से हूँ, आध्यात्मिक और एजुकेशन की दृष्टि से काम कर रहा हूँ। आपने सरस्वती शिशु मंदिर सुने होंगे। हाँ बहुत अच्छे ढंग से सुना है, मुझे कई बार अवसर मिला है एज ए डीजी सरस्वती शिशु मंदिर में जाने का, तो मैं जी अच्छे जी जी तरीके से जो है ना सरस्वती शिशु मंदिर को और उसके संस्कृति को और उसकी भावनाओं को समझता हूँ। जी जी तो मैं 25 साल सेवा दिया है जी और 20 साल प्रधानाचार्य भी रहा हूँ, संस्था प्रधान। जी 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 अभी पिछले 2 साल से मैं वहाँ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के बोलने वाली भगवद गीता और रामायण और जी जी बच्चों बच्चों के लिए खेल खेल में पढ़ाई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बच्चों को मल्टीमीडिया से कैसे दूर रखें और घर के अंदर शैक्षिक वातावरण कैसे बनाया जाए। नॉर्मल हम देखते हैं भाई साहब लेकिन इंडियन मीडिया, बांग्लादेश जैसे हालात होंगे तो उनसे बचने के लिए ना तो हमने भूतकाल में कुछ सीखा, क्योंकि 1929-30 में मापला कांड हुआ, किसी जी जी क्या किसी एक भी व्यक्ति को दंड मिला? नहीं नहीं मिला। कश्मीर का केस हुआ, क्या किसी एक व्यक्ति को दंड मिला क्या? डायरेक्ट एक्शन डे में उस समय के बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोलकाता और आसपास में भारी नरसंहार, धर्मांतरण हुआ, क्या किसी जी को जी दंड मिला? जी 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 तो हम तो घटिया लोग हैं, ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को और खुद को अच्छे भारत से वंचित रखने में हमको लज्जा नहीं आती है, हम लोग इतने निर्लज्ज घटिया लोग हैं। जी 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 इस बात को आप मानते हैं कि हम लोग निर्लज्ज और घटिया हैं जब हम आपको एक सिस्टम दे रहे हैं जिसमें आपके खीसे से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं और जी जी आपको मात्र 9 दिन में अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनमें जो लोग जुड़े रहे हैं उनमें से 10-10 ऊर्जावान लोगों को 9 दिन में संकल्प करके, शपथ करके यदि हम जोड़ने में सफल होते हैं तो 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। और ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आदेश होगा। 240 सीट पर सिमटे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्हें आज छोटी छोटी पार्टियां ब्लैकमेल कर रही हैं वो अपने आप को मजबूत महसूस कर सकेंगे। कई लक्ष्यों के लिए टास्क फोर्स गठित कर साथ में जो है अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा और 5 जो है फंडामेंटल राइट मिलेंगे। जी जी मौलिक अधिकार रोजगार का, मौलिक अधिकार शिक्षा का, मौलिक अधिकार स्वास्थ्य का, मौलिक अधिकार भोजन का और मौलिक अधिकार जो है निजता का। जी और हम तो कहेंगे कि सब मिलके मौलिक अधिकार समृद्धि का भी मिलेगा यदि ये सब चीजें बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, बिना किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाए, बिना जनता मंत्र पर धरना दिए, मात्र 9 दिन के सरल उपाय से यदि ये संभव है तो हम कितने निर्लज्ज और दुष्ट लोग हैं कि बांग्लादेश जैसी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बहनों और बेटियों को बलात्कार होने का इंतजार कर रहे हैं। इस दुष्ट व्यवस्था में जो वोट के लालच में इनकी पुलिस और सेना भी आपको लुटते पिटते देखते रहेगी, क्या ऐसे ही भारत चाहिए आपको? जी जी बच्चा बिल्कुल, आपका जो विषय है मैंने समझा है, पढ़ा भी है आपके माध्यम से जो मैसेज ग्रुप में दिया था। नमस्ते राम राम भैया। नहीं देखो, हम राम राम तक क्यों सीमित रखना चाहते हैं? हम जिन संस्थाओं में जुड़े हुए हैं वहां पर हम वो मीट क्यों नहीं करते हैं, गूगल मीट क्यों नहीं करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके क्राइम फ्री भारत पे क्यों पब्लिश नहीं करते हैं? हम लोगों को यदि उनके जेब से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है और चाहे वो जाति में बटे हों, धर्म में बटे हों, समुदाय में बटे हों,
इसके बावजूद भी उनको यदि महापरिवर्तित भारत मिल सकता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? जी, और इस पूरी व्यवस्था में भारत सरकार के ऊपर 5 पैसे का खर्च नहीं आएगा और आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा, तो ये लज्जा का विषय नहीं है कि भारत सरकार इसके ऊपर चिंतन नहीं कर रही है, चर्चा नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? जी, मैथिली शरण गुप्त ये बात दमदारी के साथ 2021 से कर रहे हैं लगातार। जी, भारत सरकार को 2017 में एक प्रस्ताव भेजा था कि 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है, जिसे 2019 में भारत सरकार ने ग्राह्य किया, स्वीकार किया और एक नेशनल पुलिस मिशन बनाया जिसका नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। लेकिन कितनी निर्लज्जता की बात है कि जब हमने नए 3 कानून बनाए तो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, थोड़े मोटे कॉस्मेटिक चेंज करके हमने इन कानूनों की आत्मा नहीं बदली। ये नेता, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो आपके समुदाय के हों, चाहे जाति के हों, चाहे धर्म के हों, ये सब साले अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, ये आपको कभी अच्छा भारत नहीं देंगे। जी, बिल्कुल ऐसा। तो क्या हम लोग स्वार्थी बनकर अपने बच्चों को खुद के लिए जो छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके अपने घर पे लोगों को इनवाइट करो, जहाँ है वहां लोगों को जाओ, वहां पे गूगल मीट करो और लोगों को बात समझा, उनके यदि कोई प्रश्न है तो उनका जवाब दो और उन्हें संकल्प दो और शपथ कराओ, और यदि ये महाचमत्कार 9 दिन में संभव है और यदि हम अपने आप को उस बात से वंचित रख रहे हैं तो हमसे निर्लज्ज, दुष्ट, खराब व्यक्ति कोई हो सकता है जो अपने माँ बहन और बेटियों को जो है बांग्लादेश जैसी दुर्घटनाओं के लिए निर्लज्जता से वेट कर रहा है? यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। आप मेरी बात से कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूं भाई साहब, और समाज में जागरण का काम तो करना ही पड़ेगा और समाज को संगठित। तो ये जागरण का काम जो है ना, दो तरीका है। जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, क्राइम फ्री भारत चैनल में जितने भी वीडियो हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। जी, उस लिंक को जो है ना डाउनलोड करके जुड़ जाइए, फिर जो है उस ऐप में आपको फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है और जहां आप रहते हैं उसका पोस्टल पिन कोड डालेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के आप सदस्य बन जाएंगे। और उसके लिए मैत्री संघ को आपका आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं करना है, वो ऐप ही आपका आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देता है। उसी ऐप के प्रोफाइल में आप खोलेंगे तो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके लेमिनेट करके रख सकते हैं। वहीं पे जो है आप व्हाट्सएप पे शेयर करके सभी लोगों को भेज सकते हैं, उनसे बात करके उन्हें संकल्पित कर सकते हैं, शपथ कर सकते हैं, अपने घर पर चाय पे बुला सकते हैं, कोई आयोजन कर सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त को भी आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हम कितने निर्लज्ज लोग हैं और ये हमारी सरकार और हमारे नेता कितने निर्लज्ज हैं जब बिना 5 पैसे खर्च किए हमें 21 लक्ष्यों सहित 5 फंडामेंटल राइट के साथ महापरिवर्तित भारत मिल सकता है, तो हम लोग कितने निर्लज्ज, स्वार्थी और बेकार लोग हैं कि छोटा सा काम भी अपने हित में नहीं कर रहे हैं। जी, जगाना पड़ेगा समाज को, बचाव कर रहे हैं। देखो आप, तो ये काम आज से शुरू करो ना। देखिए आप करोगे तो चलता रहेगा। यदि हम ऐप से करेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना जो है आदेश होगी, उसे मानने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी बेबस होंगे। 240 सीट पर नरेंद्र मोदी जी जो सिमटे हुए हैं, जिन्हें उनकी छोटी छोटी पार्टियां ब्लैकमेल कर रही हैं, जी वो जो है अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और संभवतः 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स गठित कर देंगे और मैथिली शरण गुप्त उसका मार्गदर्शन देके आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। और उनके जेब का 5 पैसा खर्च नहीं होगा, उनके पास 20 गुना जो है ना भारत सरकार के पास धन पहुंच जाएगा, तो उन्हें अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत मिलेगा। लेकिन हम लोग कितने बेहया लोग हैं कि अपने छोटे छोटे लाभ में जो है ना जुड़े हुए हैं, जो हमारे जाति के, धर्म के, व्यापार के, व्यवसाय के, राजनीति के जो है ना ठेकेदार बने हुए हैं, वो अपने छोटे लाभ के लिए जी रहे हैं। यह इस देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। आजादी के 75 साल के बाद, 77 साल के बाद भी हम दुष्ट लोगों को यह समझ में नहीं आया है कि हमारे ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे। जो उनका ध्येय था कि प्रक्रिया में उलझा के आपको बर्बाद कर दिया जाए जिससे आप अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े ना हो पाए,
वह नियम कानून बिना आत्मा बदले आज 77 साल बाद भी आपके ऊपर क्यों थोपे हुए हैं, इसका विचारण करने का हमारे पास समय नहीं है। हम कितने दुष्ट लोग हैं जो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। जी जी, इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने साथियों को, अपने से जुड़े लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप स्वयं जो है क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके किसी भी वीडियो को देखकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करेंगे? क्या आज से ही स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला पर क्या हम ये शपथ ले सकते हैं और ये कार्रवाई कर सकते हैं, जरा ये देखा जाए। और कृष्ण कुमार जी, अगली बात हम आपसे वीडियो पे करेंगे और हम लोग जो है जो बातचीत करते हैं वो रिकॉर्ड होती है और क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होती है, तो हमारी ये बात कल तक पब्लिश भी हो जाएगी जिसे आप लोगों से शेयर कर पाएंगे। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो मैंने कहा है वो उचित है? बिल्कुल उचित है भाई साहब। तो क्या हमें उसे कार्यकर्ता भी हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, थर्ड ईयर ओटीसी हूँ। तो भाई आरएसएस भी तो अपने स्वार्थ में फंस गई है, अपने जो है ना राजनीति में फंस गई है, उसने जो है ना 10 साल का मौका मिलने के बाद कौन सा आपको अच्छा भारत दे दिया है? जो कांग्रेस ने घटिया कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए थे उनमें से एक भी कानून को क्या उसने रिपील किया है? नहीं किया। क्या ये कार्रवाई जो अभी वो कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाली, ये पिछले सेशन में नहीं कर सकते थे? कर सकते। तो सब दुष्ट हैं और आरएसएस भी दुष्ट है और भाजपा भी दुष्ट है, आप भी दुष्ट हैं और हम भी दुष्ट हैं। हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जी रहे हैं। जो इस दुनिया में आया है उसका मरना तय है। हम और आप भी एक दिन जो है दिवंगत हो जाएंगे। दुर्भाग्य का विषय है कि हम तथ्यों को समझकर अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं। ये आपका भी दुर्भाग्य है और हमारा भी दुर्भाग्य है। जी जी, बड़ा काम करेंगे सब समाज को संगठित। चलिए 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 चलिए, तो आप जो है जितना आपको समझाया है वो कार्रवाई कर लें और फिर हम दोबारा भी बात करेंगे और वीडियो पे बात करेंगे और उसे अपलोड भी करेंगे। राइट। आप एमपी से हैं भाई साहब? मैं मध्य प्रदेश में से हूँ और 7 साल तक पुलिस महानिदेशक के पद पर रहा हूँ। वो तो लिखा हुआ था, मैंने पढ़ लिया। एमपी में कहाँ से? इस समय मैं भोपाल में विराजता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने स्थान से सेव कर देंगे तो ठीक रहेगा। मैं ये जरूर जरूर जरूर, आप सेव क्यों करते हैं, आज दूरियां इतनी ज्यादा नहीं है, यदि आप वहां से यहां पहुंचेंगे तो एक रात में पहुंच जाएंगे, दूसरे दिन मुलाकात भी हो सकेगी। हाँ अभी तो संभव नहीं भाई साहब, सितंबर में देखते हैं, जरूर आऊंगा मैं। देखो यदि हम इसे प्राथमिकता मानेंगे तो सब कुछ संभव है। जी जी, और इंतजार करेंगे तो 77 साल निकल गए हैं, आगे भी 77 साल निकल जाएंगे। जी जी, हम और आप दुनिया में रहें चाहे ना रहें, शायद जो हम बात कर रहे हैं इसकी एनर्जी से बदलाव का आधार बने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।